वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ के जो भी बच्चे हैं, हम केस स्टडी कर रहे हैं। 6 केस स्टडी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आज ये 7वीं केस स्टडी हम कर रहे हैं। फिलहाल अभी हम केमिस्ट्री की ही कर रहे हैं केवल केस स्टडीज़। फिजिक्स और बायोलॉजी की हम इसके बाद करेंगे। कुछ हम थोड़ी सी कर लेते हैं, कुछ 12-15 केस स्टडीज़ इसकी करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लास टेंथ के स्टूडेंट जो भी हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, 12 नंबर की केस स्टडीज़ आएंगी जो बोर्ड का पैटर्न है इस साल का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है अच्छा खासा वेटेज इसका बनता है। तो केस स्टडी में करना क्या होता है, एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ को हमको पढ़ना होता है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। अगर वो पैराग्राफ आपके सिलेबस से मैच करता है तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से भी पिक करनी होती है और उसके बाद जो है आंसर्स देने पड़ते हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केस स्टडी। आज की केस स्टडी पिक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा, आपने पढ़ा भी होगा, कैल्शियम सल्फेट और जो जिप्सम या प्लास्टर ऑफ पेरिस से रिलेटेड है। चलिए पैराग्राफ क्या कह रहा है। अ गर्ल मेट विद एन एक्सीडेंट एंड हिज लेग फ्रैक्चर्ड। एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, देख सकते हैं इस तरीके से दिखाया गया है। शी वेंट टू द ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, हड्डियों के डॉक्टर के पास वो गई फॉर ट्रीटमेंट। ऑन एग्जामिनेशन द डॉक्टर मिक्स्ड द वाइट पाउडर। डॉक्टर ने क्या किया, एक जो है वाइट पाउडर लिखना था, क्या लिख दिया, हटा देता हूँ इसको, ऑन वाइट पाउडर। ये क्या किया डॉक्टर ने, वाइट पाउडर को क्या किया है, मिक्स किया है वाटर के साथ। ऑन मिक्सिंग द वाइट पाउडर इन वाटर एंड अप्लाइड टू हर लेग, ये उसने एक सॉल्यूशन तैयार किया, एक पेस्ट सा तैयार किया है और वो जो लड़की है उसका जो फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पर उसको अच्छे से उसने लगा दिया है। विद दी कॉटन, कुछ कॉटन का यूज़ किया है और कुछ गेज का यूज़ किया है। गेज क्या होता है, वो जो पट्टी होती है ना वाइट कलर की जिसमें छेद छेद से होते हैं, वो एक्चुअली सपोर्ट करने के लिए होती है। तो कॉटन और गेज को यूज़ करके क्या किया, ये पेस्ट को उसने लगा दिया जहाँ पर फ्रैक्चर हुआ और बाद में कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा, देख सकते हैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, इट टर्न्ड इनटू वाइट सॉलिड हार्ड मास। थोड़ी देर के बाद इनिशियली क्या किया डॉक्टर ने, वाइट कलर का पाउडर लिया, पानी में मिलाया, एक पेस्ट सा बन गया और उसको पैर पे लगा दिया, कॉटन वगैरह लगा के और पट्टी लगा के। थोड़ी देर के बाद वो जो वाइट पाउडर है एक सॉलिड हार्ड मास में बदल गया है, ठीक है ना, वाइट सॉलिड हार्ड मास। ही सेड दैट इट वुड सपोर्ट हर फ्रैक्चर्ड बोन इन द राइट पोजिशन। तो जहाँ पर उसका बोन का फ्रैक्चर हुआ है ये वाइट पाउडर जो सॉलिड मास है उसको सपोर्ट करेगा और सपोर्ट करने के बाद प्रॉपरली वो जो बोन फ्रैक्चर हुआ है वो फिक्स हो जाएगा, हील हो जाएगा। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कहता है हमसे, आफ्टर ट्रीटमेंट द डॉक्टर रीपैक द वाइट पाउडर बैक इन टू द मॉइस्चर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर। जो वाइट पाउडर था डॉक्टर ने क्या किया कि भाई उसको रीपैक कर दिया, दोबारा से पैक कर दिया उस वाइट पाउडर को। किस में पैक किया है, मॉइस्चर प्रूफ और एयर टाइट कंटेनर में। क्यों किया है, ऑब्वियसली क्योंकि वाटर के साथ मिक्स करके वाइट पाउडर को उसने एक लिक्विड या पेस्ट बनाया था और बाद में वो पेस्ट सॉलिडिफाई हो गया था। अगर इसको पैक ना करे तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर ले लेगा, मॉइस्चर लेने के बाद ये उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद जो है वो पूरी तरीके से जम जाएगा। जैसे सीमेंट की बोरी में होता है, सीमेंट की बोरी को क्या करते हैं, वाटर से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर वाटर से प्रोटेक्ट नहीं किया तो सीमेंट की बोरी जो उसमें मॉइस्चर चला जाएगा और मॉइस्चर जाने के बाद वो खराब हो जाएगी, मतलब वो गम जम जाएगी। आप देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या बोल रहा है, क्यों उसने पैक किया है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों पैक किया, कारण क्या था। द फंगस ग्रोथ विल अकर इन ओपन, भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, या कोई फंगस ग्रोथ नहीं। फंगस ग्रोथ कहाँ होती है, फंगस ग्रोथ होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डेड होते हैं लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पर होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो जाएगा, ठीक है ना, तो वहाँ पर जहाँ पर स्पेशली ऑयल और फूड पार्टिकल्स होंगे, जहाँ पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, अगर आप ऐसे समझें तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ऊपर फंगस लगती है। द पाउडर वुड रिएक्ट टू मॉइस्चर, द पाउडर वुड रिएक्ट टू मॉइस्चर, कुछ कुछ ठीक लग रहा है, एंड टर्न इन टू सॉलिड मास, ठीक है, पाउडर मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा, सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। द पाउडर विद रिएक्ट टू सनलाइट, सनलाइट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, वो तो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड टर्न इन टू सॉलिड मास। ये तो मेरा गलत हो जाता है, ये मेरा गलत हो गया।
टू प्रिवेंट द स्टीलिंग ऑफ पाउडर एज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अरे यार इतना कौन सा एक्सपेंसिव है, ठीक, ये हमारा ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। तो क्या यहाँ पर क्या है कि पाउडर जो है वो रिएक्ट करेगा मॉइस्चर के साथ, और सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसको फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज व्हाइट सॉलिड हार्ड मास कार्ड। देखिए यहाँ पर एक खास बात आपको देखनी है। क्या देखनी है खास बात, कि जो ये जो व्हाइट पाउडर है ये क्या किया है, रिएक्ट करके सॉलिड मास में कन्वर्ट हो गया। अभी सॉलिड मास में जब कन्वर्ट हुआ है इसको बोलते क्या है, इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका, नहीं, क्योंकि ये पैराग्राफ या इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने सिलेबस में पढ़ी है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो पैराग्राफ में नहीं है तो मेरे को नहीं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी आपके सिलेबस से भी, क्योंकि केस स्टडी आपके सिलेबस से ही आ रही है। ठीक, उस वाइट सॉलिड हार्ड मास को क्या कहते हैं, पाउडर था वाटर के साथ रिएक्ट हुआ एक मास बना लिया, करेक्ट। ठीक, तो टेलकम पाउडर, होता है जो हम लोग गर्मियों में यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरिस ऑफ प्लास्टर, ऑफ पेरिस, तो एक्चुअली इसका नाम जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसको हम POP भी बोलते हैं, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट नहीं होता है एक्चुअली, कॉपर सल्फेट वहाँ पर जो है CuSO4 ना होके एक्चुअली वो कैल्शियम का प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा ये रहता है ऑप्शन इसका। तो जो सॉलिड हार्ड मास जो बाद में तैयार होगा, पाउडर नहीं, पाउडर तो अलग चीज़ है, बाद में जो मिल रहा है रिएक्शन होने के बाद उसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्राफ दिया है, बहुत अच्छा ग्राफ है, मैं थोड़ा सा इसमें समय लूँगा आपको एक ग्राफ समझाऊँगा। द ग्राफ शोज द पोरोसिटी एंड द एक्सपेंशन ऑफ प्लास्टर विद रिस्पेक्ट टू द वाटर कंटेंट। देखिए हुआ क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, एक पाउडर था, और पाउडर का जब हम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो कोई एक कंपाउंड बना जिसको हमने क्या बोला है, POP। ठीक, तो POP बनता है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको ग्राफ में बताई गई, एक तो पोरोसिटी बताई गई है, एक क्या किया है आपको, पोरोसिटी बताई गई है, ये पोरोसिटी है, और यहाँ पर वाटर बाई प्लास्टर का रेशियो है, मतलब यहाँ पर WyP का रेशियो है, मैं यहाँ लिख देता हूँ WyP का रेशियो है। ठीक, तो WyP का रेशियो अगर आप यहाँ पर देखें, मैं थोड़ा सा इसको सही से करना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है WyP का रेशियो है, और ये रेशियो अगर आप आगे की तरफ देखें, देखिए यहाँ पर क्या है, 90 है, 90, 80, 70, 60, 50, 40, तो अगर आप आगे की तरफ देखें ये वाटर वाई प्लास्टर का रेशियो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये डिक्रीज कब करेगा ये आपको ध्यान रखने पड़ेगी। देखिएगा हमने क्या किया है कि एक प्लास्टर ले लो, सॉरी पाउडर ले लिया, पाउडर आपने जितना भी लेना है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, आपने उसमें पानी मिला दिया, आपने एक इसको सेमी सॉलिड पेस्ट बना दिया, लिक्विड पेस्ट बना दिया, और उसको जो है जहाँ फ्रैक्चर था वहाँ पर लगा दिया। फ्रैक्चर पर लगाने के बाद क्या होगा, वो सूखेगा, क्या होगा, सूखेगा, तो सूखने के ड्यूरेशन पे वाटर जो है एवोपरेट होके स्टीम बन के बाहर निकल जाएगा। तो अगर आपने जो मास, जो वाटर और प्लास्टर का रेशियो तैयार किया है, उस रेशियो में से एवोपरेट क्या होगा, वाटर, प्लास्टर कम नहीं होगा, प्लास्टर उतना ही रहेगा। तो एक्चुअली ये जो पैरामीटर जो डिक्रीज कर रहा है ना, ये जो रेशियो आगे की तरफ आप देख रहे हैं, वाटर प्लास्टर रेशियो 90-80-70 डिक्रीज हो रहा है, क्या ये प्लास्टर की वजह से हो रहा है, नहीं, जो प्लास्टर आपने एक बार ले लिया है उसकी तो वैल्यू है, क्योंकि वो तो जो फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पर आपने लगा लिया है, प्लास्टर तो कॉन्स्टेंट रहेगा 200-400 ग्राम जो भी आपने लिया है। जो वाटर होगा ये वाटर क्या करेगा, एवोपरेट होगा, इसका मतलब वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। देखिए तो होगा क्या, प्लास्टर में कोई चेंज होगा नहीं, वाटर की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से जो जो रेशियो हो रहा है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है, हमें ध्यान क्या रखना है, वाटर डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये वाटर प्लास्टर रेशियो कंटिन्यूसली कम हो रहा है। इतनी चीज़ मेरे को समझ में आ गई है। तो वाटर प्लास्टर का रेशियो में मेन इफेक्ट कौन डाल रहा है, वाटर, वाटर एवोपरेट होकर डिक्रीज हो रहा है। इतनी चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब हम इधर देखते हैं, यहाँ पर मेरे को ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोलता है कि भाई जो ये है पोरोसिटी है, पोरोसिटी क्या होता है, थोड़े से जो होल्स या बीच में जो छेद रह जाते हैं, पोरस होता है सब्सटेंस, जैसे गुलाब जामुन होता है,
या वाइट वाला छेना जो मिठाई होती है वो पोरस होता है, उस वो पोरस क्या मतलब, उसके अंदर स्पंज टाइप का होता है, उसके अंदर जूस जो है वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पोरोसिटी इज़ वॉट, प्लास्टर जो है उसमें कुछ पोरोसिटी होती है, तभी जो है वाटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है, 20%, 30%, 40%, 50%, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस की पोरोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और लीनियर एक्सपेंशन ऑफ प्लास्टर, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ प्लास्टर मतलब कि एक्सपैंड होना, बढ़ना, मतलब उसमें जो है आप समझिए लेंथ का बढ़ना, ठीक। तो यहाँ पर एक कर दिया, अभी लीनियर एक्सपेंशन कहाँ की तरफ इंक्रीज हो रहा है वो देख लेते हैं, 0.1, 0.5, 0.2, तो ऊपर की तरफ ये वैल्यूज जो इंक्रीज, तो ऊपर की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की तरफ ये इंक्रीज हो रहा है, मेरे को पता चल गया। और ये आगे की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज होता चला जा रहा है। ग्राफ को समझते हैं, ये जो लाइन दी गई है ये पोरोसिटी का कर्व है, इसका मतलब है जैसे जैसे वाटर प्लास्टर रेशियो डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे पोरोसिट प्लास्टर तो कांस्टेंट हो गया, जैसे जैसे वाटर जो होगा वो एवोपोरेट होगा तो पूरा रेशियो डिक्रीज होगा, तो जैसे जैसे पानी कम होगा पोरोसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रहा है। ग्राफ किधर की तरफ चल रहा है, नीचे की तरफ चल रहा है। तो जैसे जैसे वाटर कम होगा पोरोसिटी कम होती जाएगी, इसका मतलब क्या है, वाटर एवापोरेट हो गया, तो जहां पर पानी था पहले वहां पर क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ जाएगा, राइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आएगा तो उस जगह को भर लेगा, पानी उड़ गया, जगह खाली छोड़ गया अपनी, उस जगह खाली छोड़ गया तो वहां पर क्या हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया, अपनी जगह बना के आ गया, तो क्या हो गया, उसकी जो पोरोसिटी हो जाएगी वो कम हो जाएगी। एक दूसरा आप देखिए, जैसे जैसे वाटर प्लास्टर रेशियो इधर की तरफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, वाटर प्लास्टर रेशियो मतलब पानी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, ये ग्राफ चल रहा है ऊपर की तरफ, मतलब क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, किसका एक्सपेंशन हो रहा है, क्या बचा है उसके अंदर, बचा तो केवल और केवल प्लास्टर है ना, तो पानी तो गया, प्लास्टर का एक्सपेंड होगा, प्लास्टर का जब एक्सपेंशन होगा तभी तो वो क्या करेगा, उस जो जो जगह खाली है उसको भरेगा, तो एक्सपेंशन किसका होगा, प्लास्टर का, प्लास्टर के एक्सपेंशन होने से पोरोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये ग्राफ मेरे को यहाँ पर बताता है। हालांकि क्वेश्चन में ये इतना नहीं है डिटेल में, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इस ग्राफ को समझा दूं एक्चुअली ये ग्राफ कैसे पढ़ा जाएगा। दूसरा, द ग्राफ शोज द पोरोसिटी, ग्राफ शोज द पोरोसिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ द प्लास्टर विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन वुड अकर, ये रिएक्शन कब होगा ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये वैल्यू ध्यान रखना है। देखिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वाटर एवापोरेट कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही तो एवापोरेट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा तभी तो बाहर जाएगा। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन एक्चुअली हो रहा है ना, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली मैं आपको रेंज बता दूँ इसकी क्या होता है, ये 373 से लेके 50 और जोड़ लीजिए तो आप मानिए 50, अगर आप ऐड करेंगे तो नहीं, 50 तो उतना नहीं होता है, लगभग लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, 398, आप देख लीजिएगा 20 से लेके 50 का अंतर होता है, मतलब 100 से लेके 120, 30, 40, लगभग लगभग इतने का ही अंतर रहता है, 20, 30, 40 डिग्री सेल्सियस, 100 के ऊपर होगा, बस 100 के ऊपर ही एवेपोरेशन होगा, स्टीम में कन्वर्जन होगा, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है, वाटर अपना फेस चेंज करेगा ही नहीं। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन है और ग्राफ भी आपको पढ़ना समझ में आ गया होगा। देखिए अभी तक आपने वही ग्राफ पढ़े हैं जहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, आपने तीसरे पैरामीटर के साथ ग्राफ नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, ये पोरोसिटी और प्लास्टर ऑफ का इस ये पढ़ना है, और एक्सपेंशन और वाटर प्लास्टर रेशियो के साथ ये ग्राफ को पढ़ना है, तो यहाँ पर मल्टीपल ग्राफ भी बनाए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 373 केल्विन, आप आंसर चेक कर लीजिएगा बस इसका, ठीक है ना, आंसर इज योर ए। द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट मास, जो व्हाइट मास बन रहा है उसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, कंबशन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कि मिनरलाइजेशन हो रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन होता है। देखिए कंबशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा, हीट बाहर निकलेगी, ठीक। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा, यहाँ पर भी हीट बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मिनरलाइजेशन अभी हम कर नहीं रहे, वैसे मैं बता दूं आपको, जब भी एडिशन ऑफ मिनरल होता है,
क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है सॉलिड में कन्वर्ट होना, क्या होना, सॉलिड मास में कन्वर्ट होना, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपने क्या किया, पानी में नमक डाली है, और अगर आपको नमक वापस चाहिए तो आप पानी को एवोपरेट कर दीजिए, पानी उड़ के बाहर निकल जाएगा, जो सॉलिड मास बचेगा वो आपका सॉलिड बच जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, मतलब आप क्या करें, लिक्विड सब्सटेंस को आप उसको बाहर निकाल दीजिए किसी भी मेथड से। सो दिस इज योर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाई विच अ केमिकल इज कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिक्विड सोल्यूशन इंटू अ सॉलिड क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज। तो इस प्रोसेस को हम सॉलिड क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिक्विड से अगर आप सॉलिड में कन्वर्जन कर रहे हैं तो इसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। कब, जब वही सॉलिड लिक्विड स्टेट में, मतलब जैसे आपने क्या किया, पानी लिया है और पानी को आप क्या करें, ठंडा करें, सॉलिडिफाई करें, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। लेकिन अभी क्या है, एक सब्सटेंस आपका है जो सॉल्यूशन में है, और सॉल्यूशन में है और बाद में वो सॉलिडिफाई हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर जैसे सॉल्ट वाला मैंने एग्जांपल लिया, इसी तरीके से आप शुगर वाला एग्जांपल ले सकते हैं। शुगर वाले एग्जांपल के केस में क्या होगा, पानी के साथ आप चीनी को ऐड कीजिए, चीनी को ऐड करेंगे, फिर बाद में अगर आप चीनी को निकालना चाहेंगे तो वाटर को गर्म करके एवेपरेट कर दीजिए, एवेपरेट हो जाएगा, बाद में आपको जो पैन होगा उसमें चीनी मिल जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉलिडिफिकेशन इस तरीके से। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए अब ये जो रिएक्शन ये बात कर रहे हैं, इस रिएक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं है आपके ये इसमें पैराग्राफ में, लेकिन हमने सिलेबस में पढ़ा है, ठीक। स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये बोल रहा है कि इस रिएक्शन को आप देखिए और करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए। तो बोल रहा है कि CaSO4.5H2O। देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो डॉट लगा होता है ना, इसका मतलब होता है परफेक्ट बॉन्ड नहीं है, राइट? ये केवल इसके साथ अटैच है, जुड़ा हुआ है, बॉन्डिंग नहीं हुई है। बॉन्डिंग होने का मतलब है एक नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म हो जाना। जब तक केमिकल कंपाउंड नया फॉर्म नहीं होगा तब तक एक्चुअली में बॉन्डिंग नहीं होती है। यहाँ पर जो डॉट बता रहा है, डॉट का मतलब है कि ये इसके साथ एक अट्रैक्टिव फोर्स में अटैच है, और जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये बाहर निकल जाएगा, राइट? चलिए, तो CaSO4.5H2O +3/2H2O, और ये आपको देता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट इज कैल्शियम हेमीहाइड्रेट। क्या रिएक्टेंट कैल्शियम हेमीहाइड्रेट है? देखिए कैल्शियम हेमीहाइड्रेट तो नहीं है, लेकिन कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो है। तो ये वाला पोर्शन तो यहीं गलत हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यहाँ दिया गया है, तो ए मेरा ऑप्शन यहीं खत्म हो जाता है। प्रोडक्ट इज जिप्सम, वो बाद की बात है, हम देखेंगे क्या है कि नहीं है। सेकेंड बोल रहा है रिएक्टेंट इज जिप्सम। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारे पास ये जो होता है फॉर्मूला, अगर आपको अच्छे से चीज़ें याद हैं तो यहाँ पर ये वाला जो होता है ये होता है हमारा जिप्सम। क्या होता है, जिप्सम, एक CaSO4.2H2O, और ये होता है मेरा POP। क्या होता है, POP। आप वैसे देख लीजिए, इसमें वाटर का एडिशन हो रहा है, वाटर को ऐड कर रहे हैं, मतलब वाटर मिला रहे हैं, घोल रहे हैं, ठीक। तो वाटर ज़्यादा हो रहा है CaSO4.2H2O। अब इसी में से वाटर को रिमूव किया जाए, एवोपोरेट किया जाए, एवोपोरेट करेंगे तो क्या करेगा, जिप्सम से POP बनेगा। मतलब जो हमें लड़की को जो वाइट पाउडर था, ये हमारा पाउडर था, जो लड़की को लगाया गया ये पाउडर था, और ये जो मेरे पास POP बना है ये हमारे पास क्या है, सॉलिड मास है, ये मेरे पास क्या है, सॉलिड मास है, ठीक। तो वाइट पाउडर मेरे पास ये था, ठीक। तो वाइट पाउडर क्या था, जिप्सम था। तो रिएक्टेंट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, प्रोडक्ट इज जिप्सम। बाकी देखो ये रिएक्टेंट इज जिप्सम, तो ये तो मेरे को पता है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है सिलेबस में, रिएक्टेंट जिप्सम नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट क्या है, POP है। देखिए जो सॉलिड मास बन चुका है आप उसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं जिप्सम में, आइडियली नहीं होता है, उसका एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि आपने उसको पानी में जाके घोल दिया तो हो गया, नहीं, उसके पीछे और भी कुछ एडिशनल प्रोसेस होते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन एक जनरल प्रोसेस यही है कि वाटर ऐड करेंगे तो वो वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो ये रिएक्टेंट जिप्सम नहीं है क्योंकि मेरे को पता है कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ए गलत हो गया, बी गलत हो गया, फिर रिएक्टेंट इज जिप्सम, ये यहीं से गलत हो गया। रिएक्टेंट कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हाफ का मतलब हेमी,
हाफ का मतलब हेमी हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब वाटर, हेमी का मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब आपका वाटर, ठीक है ना। प्रोडक्ट इज जिप्सम, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, डी हो जाएगा लास्ट में, आंसर इज योर डी। बाकी आपकी जानकारी के लिए दिस इज योर POP एंड दिस इज योर जिप्सम। अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं पता है याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मान के चलिए बोर्ड क्वेश्चन पूछता ही पूछता है इस टॉपिक से। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको केस स्टडीज में मजा आ रहा होगा करने में। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी लेक्चर में, नेक्स्ट किसी केस स्टडीज के साथ। चलिए ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।